यीशु मसीह के जिंदा जलाली और पाक नाम में आपको मेरी तरफ से और मेरी सारी टीम की तरफ से बहुत प्यार भरा और अकीदत भरा सलाम पहुंचे। मैं खुदावन का मशकूर हूं जिसने ये फजल बख्शा कि आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस टॉपिक का इनवान है तैरता नोहा। खुदा के कलाम मुकाशफा 2:4-5 में हम पढ़ते हैं, खुदावन फरमाता है, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है। और अगली आयत में लिखा है, तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। यही बात आज हमारी तवज्जो को मरकज होगी। तो क्या होता है पहली सी मोहब्बत का खो जाना और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? सलातीन की किताब में अलीशा नबी और उसके एक शागिर्द के बारे में एक वाकया दर्ज है। अलीशा एक सेमिनरी स्कूल चला रहा था जिसमें अंबिया को, प्रोफिट्स को तालीम दी जाती थी। यह मंजर दूसरा सलातीन उसके 6:1-2 में पेश किया गया है। और अंबिया जादों ने अलीशा से कहा, देख ये जगह जहां हम तेरे सामने रहते हैं हमारे लिए तंग है, सो हमको जरा यर्दन को जाने दे कि हम वहां से एक एक कड़ी ले और वहीं कोई जगह बनाए जहां हम रह सकें। उसने जवाब दिया, जाओ। इस सेमिनरी स्कूल के लिए वो जगह तंग पड़ गई तो वो सब यर्दन किनारे पहुंच गए और वहां दरख्त काटने शुरू कर दिए। जब वो सब दरख्त काट रहे थे तो उनमें से एक के कुल्हाड़ी का लोहा निकलकर पानी में जा गिरा। वो चिल्ला उठा, ये तो मांगा हुआ था, हाय मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ था। मर्द खुदा यानी अलीशा ने कहा, वो किस जगह गिरा? उसने उसे वो जगह दिखाई। तब उसने एक छड़ी काट कर उस जगह डाल दी और लोहा तैरने लगा। फिर उसने कहा, अपने लिए उठा ले। सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। ये मंजर हम दूसरा सलातीन उसके 6 के आगाज में यानी उसकी आयत नंबर 1-7 में पढ़ सकते हैं। मैं हकीकत में इस बात से काफ़ी मुतासर होता हूँ कि क्या वाकई कुल्हाड़ी का लोहा तैरता है। अगर हम इंग्लिश बाइबल यानी किंग जेम्स वर्जन को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि स्विम करता है, यानी जानदारों की तरह या जानदार चीज़ों की तरह, इंसानों या जानवरों की तरह लोहा तैरता है। आप में से कितने हैं जिन्होंने कभी कुल्हाड़ी का लोहा तैरता हुआ देखा हो? आज हम इस वाक्य के 3 हिस्सों पर नज़र डालेंगे। क्या खोया था, कैसे खोया था और हम कैसे उसको ढूंढ सकते हैं जो खो गया था। हम कह सकते हैं कि जो खोया था वो काटने वाली तेज धार थी या कटिंग एज था। जब अलीशा के सेमिनरी स्टूडेंट ने या शागिर्द ने कुल्हाड़ी का लोहा गुम कर दिया तो असल में उसने लकड़ी काटने वाली तेज धार को या कटिंग एज को खो दिया था। रूहानी तौर पर यह वही बात है जिसका जिक्र हम मुकाशफा 2:5 में पढ़ते हैं कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। अजीजों, कलीसिया के लिए मोहब्बत उसके काटने वाली तेज धार की सी होती है। यूहन्ना 14:23 आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करे और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। मोहब्बत अंजील का मरकज है। अगर हम अपनी पहली सी मोहब्बत खो देते हैं तो हम किसी काम के नहीं रहते और ना ही कुछ कर सकते हैं। यह हमारा काम नहीं है कि मसीह के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा हुक्मों को माने या उसके लिए बड़े बड़े काम करें, ज़्यादा सफ़र करें, तब वो हमसे मोहब्बत कायम करेगा और तभी हमारे साथ सुकूनत करेगा, तभी हमारे अंदर आएगा और हमारे अंदर सुकूनत करेगा। फरमानबरदारी हमारा पहला कदम नहीं है, बल्कि फरमानबरदारी खुदा से हमारी मोहब्बत का सबूत है, रिजल्ट है, नतीजा है। जब हम खुदा के लिए अपनी मोहब्बत को खो देते हैं तो दर हकीकत उस सेमिनरी स्टूडेंट की तरह अपनी कुल्हाड़ी का लोहा खो देते हैं।
फिर भले आप सुबह शाम उस कल्हाड़ी के दस्ते को साफ करते रहें, चाहे हर वक्त उस पर तेल लगाते रहें या पॉलिश करते रहें, चमकाते रहें, चाहे कितनी ही कोशिश और बेपनाह ताकत से उसको घुमाकर दरख्त के तना पर दे मारें, मगर इस तरह कभी भी आप लकड़ी को काट नहीं सकते। याद रखें, हमारी इंसानी कोशिशें खुदा की मर्जी को कभी भी पूरा नहीं कर सकती। क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आपने अपनी पहली सी मोहब्बत खो दी है? आप यीशु के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। आप अपने दोस्तों को यीशु के बारे में बताना चाहते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाते। उसका हल मेहनत करना नहीं। अगर आप अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे तो जाएं, एक कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी का दस्ता जोर जोर से घुमा घुमा कर दरख्त के तना पर मारते रहें, शाम तक लगे रहें, लेकिन आप कुछ लकड़ी काट नहीं सकेंगे। लोहा के बगैर, कटिंग एज के बगैर आप लकड़ी को काट नहीं सकते। ये वही मंजर है कि जब आप खुदा की खिदमत, खुदा से अपनी पहली सी मोहब्बत रखे बगैर ही कर रहे हैं। आप अपने कुल्हाड़े का लोहा खो चुके हैं, कुल्हाड़े की तेजदार खो चुके हैं, और जब तक आप उसको दोबारा हासिल नहीं कर लेते, आप कोई लकड़ी भी नहीं काट सकते। लिहाजा अब ज़रूरत है दूसरे स्टेप की, दूसरे कदम की। कैसे खोया था? कुल्हाड़ी का लोहा एकदम से कभी नहीं निकलता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ढीला होता रहता है, होता रहता है। जो लोग कुल्हाड़ी चलाना जानते हैं वो बता सकते हैं कि उन्हें साथ साथ पता चलता रहता है जब कुल्हाड़ी का लोहा ढीला हो रहा, और जब वो दस्ता ढीला हो जाता है तो आप उसे पीछे से धकेलते हैं, जोर से ठोकते हैं, इस तरह वो फिर से टाइट हो जाता है और ठीक से ढंग से काम करने के लायक तैयार हो जाता है। और जब कुल्हाड़ी का लोहा निकलता है तो एक ही बार के भारी वार से या एक बड़े वार की वजह से नहीं निकलता, बल्कि वो काफ़ी अरसा से ढीला होता जाता है और बिलाखर ढीला होते होते निकल ही जाता है। हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, और हम भी बिल्कुल उसी तरह अपनी तेज धार या खुदा की मोहब्बत को खो देते हैं। ये किसी एक बार से या एक बार के बड़े गुनाह के नतीजे में नहीं होता, बल्कि बार बार खुदा को इग्नोर करते रहने से या गुनाह करते रहने की आदत की वजह से होता, खुदा को कंप्रोमाइज करने की वजह से होता। तो कैसे खो देते हैं अपनी तेज धार या पहली मोहब्बत? हम आपस में किसी दूसरे के खिलाफ छोटी छोटी चुगलियां करते रहते हैं क्योंकि मजा आता है। लेन देन नाप तोल में थोड़ा बहुत झूठ बोलते, चलता है, धंधा है, क्या करें, बच्चों की रोटी कमानी है। इम्तिहान में नकल कर लेते हैं क्योंकि सभी करते हैं, ये तो आम सी बात है, ये कौन सी कोई बड़ी बात होगी। जब मसरूफ होते हैं तो बिला नागा दुआ करना भी छोड़ देते हैं, फिर सोचते हैं कि अभी चंद ही तो दिन हुए हैं, इसमें क्या है। चर्च जाना सिर्फ इस वजह से छोड़ देते हैं कि हमें थोड़ा ज़्यादा आराम चाहिए। सुबह मैंने चर्च नहीं जाना क्योंकि मुझे थोड़ी नींद चाहिए। सबसे बढ़कर हम अपने कामों में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि ध्यान ही नहीं दे पाते कि कब और कैसे हमारी कुल्हाड़ी का दस्ता ढीला हो गया। जिंदगी की परेशानियों और आसाइशों में बहल जाने से हम आसानी से अपनी तेज धार को खो देते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो और सारी बरकतें मिल रही हों तो हम बरकत देने वाले को ही भूल जाते हैं, लेकिन जब कुछ गड़बड़ हो जाए, मुश्किलें आ जाए, परेशानियां आ जाए, तो इन मुश्किलों को हल करने वाले खुदाए वाहिद को ही भूल जाते हैं। और यकायक हमें ख्याल आता है कि हम तो बड़ी मुसीबत में आ चुके हैं, खुदा तो बड़ी दूर नज़र आ रहा है, हमारी दुआएं ऐसा लगता है कि आसमान को छूकर ही वापस लौट आती हैं, और हमारी खुशियां हमसे रूठती जा रही, और यूं हम चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं, मायूसी हम में आ जाती है, हम थक जाते हैं और नाउम्मीद हो जाते हैं। हम अपनी पहली सी मोहब्बत खो चुके, अपनी तेज धार को खो चुके, तो फिर इसका हल क्या है और हम कैसे उसको ढूंढ सकते हैं
या वापस पा सकते हैं? इसका जवाब तैरते हुए लोहे की कहानी में ही मिलता है। जब हम अपना कटिंग एज या अपनी तेज धार को वापस पाना चाहें तो हमें बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए जैसे उस सेमिनरी स्टूडेंट ने किया था। बहुत आसान है, इतना ही जितना 1 2 3 कहना। 1 2 3, 1 2 3, दैट्स इट। सबसे पहले उस सेमिनरी स्टूडेंट की तरह माने कि आप उसको खो चुके हैं, जैसे वो चिल्लाया था। सो वो चिल्ला उठा और कहने लगा, हाय। याद रखें कि वो कहां से आया था। हाय मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ था। उसी जगह वापस जाएं जहां आपने उसे खो दिया था। अलीशा ने कहा, मर्दे खुदा ने कहा, वो किस जगह गिरा? उसने उसे वो जगह दिखाई। सबसे पहले माने कि आप उसे खो चुके हैं। इस वीडियो के आगाज में जो मैंने मुकाशफा का एक हवाला आपके साथ शेयर किया था, उसको दोबारा दोहराते हैं। देखें, यीशु इफिसियों की कलीसिया से कहता है कि तुमने अपनी पहली सी मोहब्बत खो दी। बाकी सब तो ठीक चल रहा था, मगर वो कुदरत अपना जलाल, अपनी तेज धार या अपनी पहली सी मोहब्बत खो चुके थे। दूसरे मुकाम पर यीशु लौदीकिया की कलीसिया को सख्त, ज्यादा सख्त बात कहता है। वो हवाला जब हम आगे पढ़ते हैं, 15वीं आयत में लिखा है, मैं तेरे कामों को तो जानता हूं कि ना तू सर्द है ना गर्म। काश के तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और यह नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है, इससे जाहिर होता है कि मुमकिन है कि हम अपनी तेजदार खो चुके हों और हमें इस बात का पता भी ना चले। जैसा कि वो सोचते थे कि उनके पास सब कुछ आ गया था और वो अपने माल और अपनी दौलत पर शेखी बिगाड़ते थे, फख्र करते थे। यहां एक सबक सीखने को मिलता है। जब आप सोचते हैं कि आपके पास सब कुछ आ गया है, तो ये साफ इशारा है कि आप सब कुछ खो चुके हैं या खोने वाले हैं। चंद सवाल हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। क्या आपकी मोहब्बत खुदा के साथ बढ़ रही है? क्या यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता मजबूत हुआ है या नहीं? क्या आपकी जिंदगी में रूह के फल तरक्की पा रहे हैं या नहीं? रूह के फल यानी मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी, ये खूबियां कुदरती तौर पर हम में आनी शुरू हो जाती हैं जब हम यीशु मसीह की मोहब्बत में कायम रहते हैं, जब हमारा रिलेशनशिप, हमारा रिश्ता खुदा से जुड़ता है। क्योंकि जब हम उससे मोहब्बत रखते हैं तो हमारी जिंदगियों में आना चाहता है और हमारी जिंदगियों में चलता फिरता नजर आता है, और जब चलता फिरता नजर आता है तो उसकी रूह की नेमतें और फल भी हमारी जिंदगियों से छलकना शुरू करते हैं। ये भी जरूरी है कि हम हर वक्त खुदा से मांगते रहें कि खुदा हमारी रूहानी आंखों को खोले और रूह के फलों को हमारी जिंदगियों में जारी करे। और अगर रूहानी थर्मामीटर पर नीम गर्म आ जाए तो समझ जाए कि यह वक्त है कि आप माने कि आपने अपना कीमती सरमाया, अपनी तेज धार को खो दिया है। दूसरा कदम है, दूसरा स्टेप है। याद रखें कि वो लिया कहां से था, आया कहां से था। यीशु मुकाशवा 3:18 आयत में कहता है, नीम गर्म लौदीकियों से कलाम करता है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। खुदा की मोहब्बत का जाम हमें कभी भी हमारी अपनी कोशिशों की वजह से नहीं मिलता, बल्कि ये पूरे तौर से खुदा की तरफ से ही मिलता है, और सिर्फ उसे ही मिलता है जो उससे मांगता है पूरे ईमान के साथ। जैसा कि अलीशा के शागिर्द ने चिल्ला कर कहा, हाय मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ था। हमें इस बात को मानना चाहिए कि हमारी तेज धार, हमारी पहली सी मोहब्बत
तो दर हकीकत खुदा से मांगी हुई थी, और सिर्फ वही उसे दे सकता है या उसे लौटा सकता है। उसको वापस पाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसी जगह लौट कर जाए जहां हमने उसे खो दिया था। अलीशा का शागिर्द उसे उसी जगह ले गया जहां उसने अपनी कुल्हाड़ी का लोहा खो दिया था। उसके पास इतनी ताकत, इतनी सकत ना थी कि वो उसे वापस पा ले, वापस हासिल कर ले, क्योंकि वो तो पानी में डूब चुका था। ये ध्यान में रखें कि उसका लोहा लौटाने में एक मोजज़ा अमल में आया, एक मफूकुल फितरत सुपरनेचुरल एक्टिविटी हुई ताकि वह शागिर्द उस लोहे तक पहुंच जाए और उसे दोबारा से ले ले। जब वो वहां पहुंचे तो अलीशा ने लकड़ी का टुकड़ा पानी में फेंका और लोहा तैरने लगा। तो उस लकड़ी की भला क्या अहमियत हो सकती है जिसे अलीशा ने पानी में फेंक दिया? मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं। लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक यह बात यीशु की सलीब और उसकी कुदरत के साथ मुशाबत और मुमासलत रखती है। यह सलीब ही थी जिसने वो मौजज़ा कर दिखाया कि खुदा की मोहब्बत को हमारे इतने करीब ले आई कि हम हाथ बढ़ाकर उसको थाम लें और जाने ना दें। फिर उसने, यानी अलीशा ने कहा कि अपने लिए उठा ले, सो उस आदमी ने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। खुदा आपकी तेज धार, यानी आपकी पहली सी मोहब्बत आपके हाथ के बिल्कुल नीचे लाकर देगा, लेकिन उस तक पहुंचना, उसको लपक कर पकड़ना, उसको थामना और फिर जाने ना देना आपका काम है। अजीजो, खुदा कभी भी हमें मजबूर नहीं करता कि हम उसकी तलाश करें या उस तक पहुंचे, लेकिन खुदा ये जानने में हमारी मदद करता है कि कहीं हम अपनी पहली सी मोहब्बत या अपनी तेज धार को खो तो नहीं चुके। उसने लौदीकिया की कलीसिया से कहा, आए मुकाशफा 3:19-20 आयत पर नजर डालो, मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उन सब को मुलामत और तंबीह करता हूँ, बस सरगर्म हो और तौबा कर, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोल लेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। ये दावत सिर्फ उन लौदीकियों के लिए नहीं थी, ये उन सब के लिए है जिन्होंने अभी तक यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया। अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी अकल से उससे मोहब्बत नहीं रखते। ये दावत आम है उनके लिए जो यीशु पर ईमान नहीं लाए। क्या आप अपनी जिंदगी में उस तेज धार को खो तो नहीं चुके? क्या आपकी पहली सी मोहब्बत या मोहब्बत का जज्बा फीका तो नहीं पड़ गया? तो इन वार्निंग सिग्नल्स पर ध्यान दें कि कहीं आपकी कुल्हाड़ी का दस्ता ढीला तो नहीं हो रहा। यीशु की तरफ रजू लाए, उसके पास लौट जाए और उसे अपना रिश्ता आपके साथ जोड़ने दें, बनाने दें, तभी हम उसके पैरोकार और ट्रू क्रिश्चियंस गिने जाएंगे।